साजिश सैफी जिला निवास हरतला पर एक बैठक का इंतकाद किया गया, जिसमें प्रचार को लेकर वार्ड मेंबरों से चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि किसी भी तरह कानून का उल्लंघन न करें, किसी की दीवार पर बिना इजाजत पोस्टर आदि न लगाएं, थाने में इत्तला दिए बिना कोई चुनाव प्रचार ना करे, कोई भी पार्टी मेंबर कहीं भी प्रचार में बदजवानी ना करे जिससे कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे। वहीं करुला वार्ड नंबर 52 गली नंबर 8 निहारियों वाला मदरसा में एक बैठक मुनकित की गई, जिसमें तालीम को अहमियत पर जोर दिया गया, जिसमें साफ सफाई पर व नालियों आदि में गंदगी ना करने पर जोर दिया गया। हर वार्ड में सरकारी अस्पताल खोलने और मुफ्त दवाओं के लिए सरकार से बात करने के लिए भी प्रस्ताव रखा गया। बैठक में मौजूद रहे जिला अध्यक्ष साजिश सैफी, प्रदेश कार्यकारिणी जंगरायनी, वार्ड 51 के हाजी रहीस, वार्ड 52 के अफसर अंसारी, वार्ड 15 के डॉक्टर निजामुद्दीन और अहद शाम मंसूरी, वार्ड 5 के रवि पाल, वार्ड 48 रुवैद अंसारी, अशरफ मलिक, अतीक सलमानी आदि ने बताया। अफसर अली अंसारी। अफसर जी तो ये कौन सा वार्ड है? वार्ड 52। लगभग कितने वोट हैं? 13,000 से 15,000 के बीच में वोट है। क्या क्या मुद्दे हैं आपके? सर मुद्दे यहाँ पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि वार्ड पिछड़ा हुआ वार्ड है और यहाँ पे पार्षद बन जाते हैं, काम होते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे सफाई का है, रोड सड़कों वगैरह, नालिया नगर निगम के पानी की बहुत प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों ने समस्या बनने के बाद केटीएम मांगी, आप सड़क बनवाएंगे या केटीएम मांगे? सर हमारे पास तो विकास का ही काम होगा, क्योंकि हमारे पास अल्लाह पाक ने मकान तो देने के लिए पहले दे दिया है और हमें ज्यादा जनता की सेवा ही करना है। कहाँ तक है सर ये वार्ड हमारा? यूसुफेरी है, 4 नंबर गली आदि आती है इसमें, और कोई नोट चुराया है उसके अंदर का हिस्सा आता है, एक ही पट्टी आती है अपनी। ये जी मैं अपने वार्ड 5 से, नाम आपका? मेरा नाम रवि पाल सिंह है और मैं अपने वार्ड 5 से आतंक चुनाव चिन्ह से मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि जो है हमारे गांव में कम से कम 35 साल हुए हैं, अभी तक हमारे वार्ड में एक बार भी हमारे गांव जो है जिस गांव से मैं खड़ा हुआ हूँ एक बार भी पार्षद ही नहीं आई है। उस गांव की इतनी बुरी बदतर हालत है कि वहाँ की खम्भों की लाइट है, वहाँ किसी भी चौराहे पर सरकारी नल नहीं, हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में कोई भी सफाई सुविधा का मतलब ध्यान नहीं। और मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि जो हमारे गांव में और हमारे जो वार्ड के जो रास्ते हैं, नालियाँ हैं, सारी टूटी हुई हैं और जो है इतनी इतनी गहरे गहरे गड्ढे हैं। हम अपने प्रयास से, जो मेरे भाई लोग हैं, जो मेरे समर्थक हैं, जो मुझे इस वतन के चिन्हों पर मोहर लगा करके जो मुझे जिताएंगे, मैं उनसे के रूप में चुन करके घोषित किया है और मुझे वार्ड पार्षद के रूप में आप मुझे चुनेंगे तो मैं आपसे अपील करता हूँ। कौन सा मोहल्ला आ रहा है जी? मेरा मोहल्ला इसमें आंशिक मऊ है, अंबेडकर कॉलोनी है, गोरशंस है, प्रेमनगर है, बटावली है, मोहल्ला के आरक्षित सीट है जी? बिल्कुल ये आरक्षित सीट है और मैं अपने भाइयों से मिली हूँ। उनके लिए किसके लिए? जी SC के लोगों के लिए आरक्षित वर्ग की सीट है ये। और मैं अपने लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि एक कर्मठ जुझारू समाज सेविक और इस मुहिम को आगे ले जाने वाले और आपकी गांव के आपके वार्ड के हर एक परेशानी को दूर